हॉटेल मालकाकडून खंडी वसूलणाऱ्या गुंडाला पोलिसांनी अटक केली आहे. विक्की सीताराम दापोडे वय 24 वर्ष इमामवाळा असे आरोपीचे नाव आहे. आरोपी विरुद्ध यापूर्वीही अनेक गुन्ह्यांची नोंद आहे. इमामवाळा निवासी प्रमोद बहादूर सिंग यांचे गणेशपीठ हद्दीत जाफरभाई दिल्ली दरबार या नावाचे हॉटेल आहे. सोमवारी रात्री 11 वाजताच्या सुमारास प्रमोद यांच्या हॉटेलमध्ये विक्की आला आणि आरडाओरड करीत गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. प्रमोद यांना धमकावून 2000 रुपयांची मागणी केली. प्रमोद म्हणाले की मागच्या आठवड्यात 2000 रुपये दिले होते, आता 1000 रुपये घेऊन जा. असे ऐकताच विक्की ने 2000 रुपयाचा तगादा लावला. मुझे जानते नहीं हो क्या, मेरा नाम विक्की है, म्हणत मारहाण करण्यास सुरुवात केली. पोलिसांना तक्रार केली तर जीवे मारण्याची धमकीही दिली. प्रमोद यांनी घटनेची माहिती पोलिसांना दिली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून विक्कीला अटक केली आहे. बात ऐसी की जाफरभाई दिल्ली दरबार हॉटेल के जो मैनेजर है प्रमोद सिंह, जो अभी इमामवाड़ा पुलिस में जुरिडिक्शन में रहते हैं, वो मैनेजर पद पे है दिल्ली दरबार होटल में. वो उनका तकरार इसी कल आई थी हमारे पास कि 4 तारीख की घटना थी, 4 दिसंबर की घटना है, रात 11:45 से 11 बजे की बात है. उसके बीच में एक ईसम विक्की दापोडे नाम का ईसम उनके पास आया था चाकू लेकर और उनको बोला था कि मुझे 2000 खंडी वजह दे दो, हफ्ता दे दो मुझे. ऐसा करके उनसे बातचीत गाली गलौज कर दिया और उसी बीच उसने मैनेजर ने उनको कुछ ही पैसा नहीं दिया और वहाँ से वो चला गया. आने के बाद तकरार आने के बाद हमने पूरा उनको सुन लिया. तो तकरार में उन्होंने ऐसा कहा कि इसके पहले 1 महीने के पहले भी वो आदमी उनके होटल में आया था और उनसे 1000 रुपये लेके गया था, तभी 1000 दिया था. और इसलिए उनको लगा कि अभी वो दोबारा नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने तभी तकरार नहीं दी. पर आज फिर से कल फिर से आया 4 तारीख और उसने फिर से हफ्ता वसूली मांगने की कोशिश की थी पर उन्होंने नहीं दिया दूसरी बार में. इसलिए तत्काल हमने उसकी ये लिया और रिपोर्ट लेने के बाद जो विक्की दापोडे जो अभी 27 उम्र का लगभग है और रामबाग इमामवाड़ा इलाके में रहने वाला आदमी है, उसके ऊपर बहुत से गुने दाखिल है. कभी बुढ़ापे से कोई व्हीकल ऑफेंस भी उसके नाम पर रजिस्टर है.